हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी में। भारतीय रेलवे डीजल ट्रैक्शन रूट को इलेक्ट्रिफाइड करने की तैयारी में लगा हुआ है। साल 2022 से पहले डीजल ट्रैक्शन रूट्स को इलेक्ट्रिफाइड करने की तैयारी लगी हुई है। भारतीय रेलवे में दो प्रकार के लोकोमोटिव्स को प्रयोग में लिया जाता है, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव से बढ़ते प्रदूषण और ज़्यादा डीजल की खपत को चलते देख भारतीय रेलवे ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का चलन ज़्यादा कर दिया है। इलेक्ट्रिक रूट्स पर चलती हुई ट्रेन पर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर OHE वायर गिर जाए तो क्या होगा? कभी ना कभी ऐसा सवाल दिमाग में जागा ही होगा। इस सवाल का जवाब मैं आपको कुछ मिनटों की वीडियो में ही देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डीजल ट्रैक्शन में तो कुछ नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में रेलवे ट्रैक्स के साथ में कुछ नियमित दूरी पर OHE पोल्स लगे होते हैं, जिनमें सिंगल फेज की OHE वायर लगी होती है। 250 किलोवाट का करंट उसमें दौड़ता है, जिससे AC सप्लाई होती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का सिस्टम समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए दो एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से लोकोमोटिव OHE वायर से अपने पेंटोग्राफ के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई लेता है और OHE पोल और रेलवे ट्रैक्स के साथ जुड़े ग्राउंडिंग प्लेट से नेगेटिव सप्लाई को यूज़ में लेता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम पूरा का पूरा बैठ जाता है। यदि ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर OHE पोल से टूटकर ट्रेन के ऊपर गिर जाए तो ट्रेन पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को भनक तक नहीं लगेगी कि बाहर OHE वायर टूट गया है। जो भी असर पड़ेगा वो लोको की स्पीड पर पड़ेगा, क्योंकि लोको की सप्लाई बंद हो जाने के कारण लोकोमोटिव की स्पीड ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। ट्रेन पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि OHE वायर की जो एनर्जी होती है वो OHE टूटने पर ग्राउंड की हुई लोहे की प्लेट से सीधा नीचे चला जाएगा, जिसका रीज़न यह है कि जो एनर्जी है वह हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को यूज़ करती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी पाथ बहुत हाई होता है, जिसके कारण करंट जो है वो ह्यूमन बॉडी को बिना छुए ट्रेन की बॉडी से सीधा ग्राउंड में चला जाता है। इसीलिए अगर चलती हुई ट्रेन के ऊपर ओवरहेड वायर पोल से टूटकर गिर जाए तो ट्रेन के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अगर इंसान सीधे ही ओवरहेड वायर को छुएगा तो वह जरूर भगवान को प्यारा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसान भाषा में कहा जाए तो OHE वायर को ट्रेन से टच होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर सूचित करें। धन्यवाद।